एक मासूम बच्चा कि अजीब चीज है बच्चों की आशनाई भी, किसी ने गाल छुआ मुस्कुराने लगते हैं। या फिर जफर गोरखपुरी का वो शेर कि इरादा हो अटल तो मौजजा ऐसा भी होता है, दिए को जिंदा रखती है हवा ऐसा भी होता है, किसी मासूम बच्चे के तबस्सुम में उतर जाओ तो शायद ये समझ पाओ खुदा ऐसा भी होता है। तालियों से इस्तकबाल करें सुफियान प्रतापगढ़ी से, गुजारिश करता हूं वो आए और अपने फन जौहर, जाहिर सी बात है यही बच्चे हमारे देश का मुस्तकबिल हैं, सुफियान प्रतापगढ़ी। अस्सलामु अलैकुम सकीना कवालो, बहुत ही खूबसूरत सी महफिल सजाई है। हाय हाय, आप भी बहुत खूबसूरत हो बेटा जमाल चाचा ने, क्या बात, और इतनी खूबसूरत थी सामान को पूरी मुंबई से चुनकर मुशायरे में बुलाया है। हाय 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 कुर्बान। दोस्तों आज के इस मुशायरे के मेहमान खास जनाब अबू आसिम आजम साहब, क्या बात, जिनकी दुआओं की बदौलत ही मैं पूरे मुंबई के मुशायरों में शिरकत कर पाता हूँ। क्या बात, मैं चाहता ये हूँ कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर मेरी हौसला अफजाई फरमा लें। मैं शेर हाजिर करता हूँ। मैं साथ रखता हूँ, पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमान, क्या कहने बाबा। मैं साथ रखता हूँ अपने ये कीमती दौलत, वाह। मैं साथ रखता हूँ अपने ये कीमती दौलत, मैं साथ रखता हूँ अपने ये कीमती दौलत, सदा दुआओं की झोली मैं भर के चलता हूँ, सदा दुआओं की झोली मैं भर के चलता हूँ, जमाने भर की बलाओं से डर नहीं, कहाँ गए तालियां बजाने वाले, अब तो बजाइए। जमा जमाने भर की बलाओं से डर नहीं लगता, अरे मैं घर से सूरे यासीन पढ़ के चलता। वाह 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 वाह, क्या कहने सुफियान, वाह 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 माशाल्लाह, वाह वाह। मैं घर से सूरे यासीन पढ़ के चलता, मैं साथ रखता हूँ अपने ये कीमती दौलत, क्या कहने सदा दुआओं की झोली। दोस्तों आइए चार मिसरे खान जमाल चाचा के हवाले से हाजिर करता हूँ, पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमान। बातें सुन लो मुंबई वालों, बातें सुन लो ऐ मुंबई वालो, बातें सुन लो ऐ मुंबई वालो, जुल्म की ठोकरें न खाओ तुम, जुल्म की ठोकरें न खाओ तुम, कौम के रहनुमा है खान जमान, कौम के रहनुमा है खान अपना नेता इन्हें बनाओ तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों जिन्होंने मेरे शेर पर तालियां नहीं बजाई है, एक दिन उन्हें घर घर जाकर तालियां बजाना पड़ेगा। दोस्तों आज की रात 26 जनवरी की रात है, मैं यहाँ से वतन परस्ती के हवाले से चार मिसरे हाजिर करता हूँ, पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमान। पीछे मुड़ कर न देख पाएगा,
और जोरदार तालियां बजाकर मेरी हौसला अफजाई करवा ले, मैं शेर हाजिर करता हूँ। पीछे मुड़ कर न देख पाएगा, पीछे मुड़ कर न देख पाएगा, जिस्म पर ऐसा वार कर देंगे, जिस्म पर ऐसा वार कर देंगे, देख कर देख कर हम वतन को खतरे में, देख कर हम वतन को खतरे में, जान अपनी निसार कर देंगे, जान अपनी निसार कर देंगे, जान अपनी निसार कर देंगे। दोस्तों आइए चार मिसरे और हाजिर करता हूँ। हाजिर करते रहिए सुफियान। दोस्तों जब अभी कहता दो दिन तो पहले बिगलौर और मुमरा में मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों मेरे दोस्त तनवीर गाजी का एक शेर याद आ रहा है कि सभी फिरका परस्तों को वो अब माबूद लगता है, सभी फिरका परस्तों को वो अब माबूद लगता है, हमारी आँख का सुरमा जिसे बारूद लगता है, हमारी आँख का सुरमा जिसे बारूद लगता है, ये एक सरकारी चश्मा है इसे जो भी पहनता है, ये एक सरकारी चश्मा है इसे जो भी पहनता है, तो एक सादा नमाजी भी उसे दाऊद लगता है, तो एक सादा नमाजी भी उसे दाऊद लगता है। दोस्तों वहाँ इंदौरी साहब का एक शेर याद आ रहा है कि मसीहा दर्द के हम दर्द हो जाएं तो क्या होगा, क्या बात है, मसीहा दर्द के हम दर्द हो जाएं तो क्या होगा, रवादारी के जज्बे सर्द हो जाएं तो क्या होगा, रवादारी के जज्बे सर्द हो जाएं तो क्या होगा, यही लाखों करोड़ों पंज वक्तों के नमाजी ही, यही लाखों करोड़ों पंज वक्तों को नमाजी ही, अगर सचमुच में दहशत गर्द हो जाए तो क्या होगा, अगर 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 सचमुच में दहशत गर्द हो जाए तो क्या होगा। सुफियान तुम तो साथ साथ निजामत भी कर रहे हो यार। मैं शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमान। वाह वाह वाह। रोज नए तूफान उठाए जाते रोज नए तूफान उठाए जाते हैं, रोज नए तूफान उठाए जाते हैं, अब सारे एहसान भुलाए जाते हैं, अब सारे एहसान भुलाए जाते हैं, हमने भी हाँ तुमने भी हाँ सबने भी हाँ हाँ हमने भी गुलशन सींचा है, हमने भी हाँ तुमने भी हाँ सबने भी हाँ हमने भी गुलशन के लहू से सींचा है, हम पर ही इल्जाम लगाए जाते हैं, हम पर ही इल्जाम लगाए जाते हैं, हम पर ही इल्जाम लगाए जाते हैं। वाह वाह वाह। दोस्तों हाय हाय हाय। यकीनन आज मुल्क के हालात बहुत खराब चल रहे हैं। जब जब पठानकोट का नाम आता है तो आंखों में आंसू तैरने लगते हैं। आखिर आखिर कहाँ गए एक के बदले दस लाने के वादे, फिर मोदी जी आप तो पाकिस्तान गए थे, दस चीटी के भी सलाते तो मैं समझता कि आपका 56 इंच का सीने गए। मैं यहाँ से चार मिसरे हाजिर करता हूँ, पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा। एक शेर आज बिल्कुल साबित हो गया कि संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गों के बच्चे अब पलट कर बोलते हैं। क्या बात, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह वाह। सदा रहती है जिसको फिक्र केवल टूर जाने की, सदा रहती है जिसको फिक्र केवल टूर जाने की, अपने बड़े भाई इमरान प्रतापगढ़ की दुआएं चाहते हुए शेर हाजिर करता हूँ। सदा रहती है जिसको फिक्र केवल टूर जाने की, ये किसने कह दिया तुमसे उन्हें औरों से मतलब है, ये
मगर साहब को बस दुनिया के ही दौरों से मतलब है। वाह साहब को बस दुनिया के ही क्या बात है, वाह वाह से मतलब है। क्या कहने बाबा। दोस्तों आइए माँ के हवाले से चार मिश्रे हाजिर करता हूँ। जो बूढ़े माँ बाप को अपने घर से बाहर करते हैं, जो बूढ़े माँ बाप को अपने घर से बाहर करते हैं। क्या बात है। सर के चारों जानिब रोज बनाए रहते हैं, उनके सर के चारों जानिब रोज तुम्हारे अब भी बेटा मेरी दवाएं रहती है, साथ तुम्हारे अब भी बेटा मेरी दवाएं रहती है। क्या कहने वाह 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 बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अच्छे दिनों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को इस जुमले पे हर बार ताली बजानी चाहिए आपको। ये जब दोस्तों कहता तो यकीनन महसूस होता कि किस कदर प्यारी गुफ्तगू है इसकी। दोस्तों मैं ज्यादा पढ़े लिखे शायर तो नहीं हूँ, मैं एक मकतब में पढ़ने वाला क्लास 3 का स्टूडेंट हूँ। क्या बात है, वाह। लेकिन अल्लाह ताला ने थोड़ा बहुत शायरी का इल्म जरूर दिया है। क्या बात है दोस्तों। आज मैं इतने बड़े पढ़े लिखे लोगों के बीच एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे कोई अच्छे दिन की परिभाषा बताएगा? इमरान भाई, क्या यही अच्छे दिन कि गांधी जी के हथियारे नाम नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया जाए? क्या बात है। क्या यही अच्छे दिन कि अंग्रेजों के खिलाफ पहली तलवार उठाने वाले शेर हिंद टीपू सुल्तान को देश का गद्दार बताया जाए? क्या कहने वाह वाह वाह। क्या यही अच्छे दिन कि सरहद पर शहीदों के खून की नदियां बहें? क्या यही अच्छे दिन कि गाय के नाम पर इखलाक जैसे बेगुनाह मुसलमान का कत्ल कर दिया जाए? वाह वाह। क्या यही अच्छे दिन कि साध्वी साक्षी योगी तोगड़िया और कमलेश तिवारी जैसे नफरत की देवी देवताओं की जुबान पे कोई लगाम ना लगे? क्या यही अच्छे दिन कि देश में कहीं भी दंगा हो उसके बाद 10 मुस्लिम नौजवानों को पकड़कर जेलों के अंदर बंद कर दिया जाए? अरे मोदी जी, अगर यही अच्छे दिन है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे पुराने बुरे दिन लौटा दीजिए। वाह। क्या कहने सुफियान, हम आपके अच्छे दिनों से उब चुके हैं। मैं शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां। बिल्कुल यकीनन एक पैगाम जो इस बच्चे के हवाले से मिल रहा है। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। ये वो परिंदा है जो अपनी कुदरती तालीम से आपके सामने है, यकीनन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अल्लाह इसकी उम्र दराज करे और इसके हौसलों में और बुलंदी अता करे। पढ़ता हूँ बतौर खास, मुलाजा फरमाए जी। हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में, हवाएं नफरतों की चल रही है रोज भारत में, मोहब्बत भाईचारा के सुहाने दिन वो लौटा दो, मोहब्बत भाईचारा के सुहाने दिन वो लौटा दो। ये अच्छे दिन तुम्हारे जान ले लेंगे गरीबों के, ये अच्छे दिन तुम्हारे
गुजारिश है अरे साहब पुराने दिन वो लौटा दो। वाह 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 वाह। अरे मेरे